हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रीनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है वीकली। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें तो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ यहाँ पर, जो 9 सितंबर को मेरा अपकमिंग वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, जो 2 वीक्स की वर्कशॉप है, हील योर ट्रॉमा विद मी। तो अगर आप किसी भी तरह के ट्रॉमेटिक पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं पास्ट में और आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपको ये नहीं पता कि किस तरह से ट्रॉमा को हील किया जाता है, तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई हैं जो आपको हेल्पफुल होंगी अपने ट्रॉमा को हील करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वर्कशॉप में, आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होने वाली है, जब भी आप देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, नेक्स्ट 7 डेज की, तो वीकली रीडिंग है। तो यहां पर मैंने निकाले हैं कुछ ऑरिकल और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या होगी। तो इस बार मैं कार्ड वाली जो रीडिंग है वो शॉर्ट रखने वाली हूँ, राइट, ताकि रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग ऑफ द वीक जो है उसके लिए निकला है यहाँ पर कॉफिन, सफरिंग। तो किसी तरह की मुझे यहाँ पर एग्जॉस्ट, टायर्डनेस नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा आप किसी बात को लेकर होल्ड करते हुए स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो। पर कहीं ना कहीं आपको पता है कि किस तरह से पीस क्रिएट करनी है, तो डेफिनेटली आप कोशिश करोगे और सफल भी हो जाओगे, रेस्ट करके या फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके स्ट्रेस से, ताकि आप इसको रिलीज कर सकें, जो भी आपने होल्ड किया हुआ है और जो अभी आपको स्ट्रेस दे रहा है। ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी तरह की वो हो सकती है आपको यहाँ पर, कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, एग्जॉस्ट फील कर रहे हो और इसलिए आपको यहाँ पर नैप लेने की, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और कुछ प्रेयर्स के साथ या मंत्रास के साथ आप जुड़ सकते हो ताकि आप इस हील कर पाओ अपने आप को और इस तरह की किसी भी तरह की नेगेटिविटी या नेगेटिव जोन में से अपने आप को बाहर निकाल पाओ और आप सफल भी हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्ट, ट्रू लव। तो बहुत कंपैशनेट एनर्जी है यहाँ पर। किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होना, अपने पेट के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा समय गुजारना, कनेक्ट करना, सोल लेवल पर कनेक्शन है यहाँ पर। और ये कुछ आपका पैशन भी हो सकता है, कि कोई क्रिएटिविटी या कोई पैशन के साथ आप जुड़ पा रहे हो। और यहाँ पर अपने आप के लिए भी आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहोगे और सेल्फ लव में रहोगे, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो। तो यहाँ पर सेल्फ लव जो है आपकी हेल्प करेगा। तो कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके आप सेल्फ लव के साथ जुड़ें, ताकि इस एनर्जी से बाहर आ सके, पीस को क्रिएट कर सकें और अपने आप को इस एनर्जी से रिलीज कर सकें, ठीक है, और इस एनर्जी को रिलीज कर सकें। सो तो बहुत प्यारी सी लविंग एनर्जी है, कंपैशनेट की एनर्जी, जो आप अपने आप के साथ और दूसरों के साथ देखोगे। यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा भी हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लास्ट है यहाँ पर स्टार, डेस्टिनी। तो किसी तरह की न्यू बिगनिंग भी आप कर सकते हो जो आपके डेस्टिनी का हिस्सा हो सकती है। कुछ भी ऐसा करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, जो आपको सुकून भी देगा, आपके हील भी करेगा और आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो किसी नए रास्ते को चूज़ कर सकते हो। कुछ किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे लग रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा होपफुल बनाने वाली है और साथ में आपको हील भी करने वाली है। तो किसी तरह की, और अपने आपकी स्टार सीड एबिलिटीज़ जो हैं, आपका पोटेंशियल जो है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हो यहाँ पर। तो ये गोल्डन स्टार, तो जो गोल्डन क्वालिटी है, आपकी यूनिक सेल्फ है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। कुछ भी ऐसा जो आपको डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है, तो ये कोई ऐसा न्यू बिगनिंग है यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए, जो आपको डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है।
तो अब हम लोग देखने वाले हैं सैन रीडिंग से कि नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं अब सैन रीडिंग से कि अगले 7 दिन आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं। तो यहां पर आपके सितारे अलाइन में आने वाले हैं। यहां पर ये चक्रास भी हो सकते हैं, आपके डेस्टिनी में भी स्टार्स थे और यहाँ इस सैन में भी स्टार्स हैं। तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो ये जो स्टार्स हैं यहाँ पर एकदम से लाइन में हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही है वो सारे, तो अलाइनमेंट में आ रहा है कुछ ना कुछ, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी अबंडेंस, आपकी डेस्टिनी, आपके चक्रास, आपकी और यूनिवर्स के साथ अलाइन में आना, ठीक है, माइंड बॉडी सोल का लाइन में आना, तो कुछ ना कुछ इस तरह का हो रहा है यहाँ पर डेफिनेटली जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सारे स्टार्स जो हैं यहाँ पर लाइन अप हो गए हैं और साथ में ये गोल्डन येलो यहाँ पर कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई, कुछ आप न्यू बिगनिंग्स कर सकते हो यहाँ पर, आपके करियर, आपके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके गिफ्ट से, स्पिरिचुअल गिफ्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके रूट चक्रा के साथ भी कोई रिलेशन है यहाँ पर, तो रूट चक्रा अगेन अपने आपके करियर, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पर। स्ट्रांग स्टेबल आप कुछ क्रिएट करने वाले हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर है, आपकी अपनी ग्रोथ को लेकर है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को से रिलेटेड है या फाइनेंसिस से रिलेटेड। यहाँ पर कोई अपने आप को कमिट भी कर रहा है यहाँ पर, अपने आप को वो देने के लिए जो आप देना चाहते हो, यानी कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हो, अपने आप को वो खुशी देना चाहते हैं, तो कोई इस तरह की यहाँ पर मुझे कमिटमेंट भी लग रही है जो है बहुत सुंदर बात। और यहाँ पर मस्कुलिन पावर भी आपकी एक्टिवेट रहेगी इस पूरे हफ्ते में। बहुत सारे काम आप कंप्लीट कर पाओगे, कंप्लिश कर पाओगे, तो चाहे घर के काम हैं या आपके करियर से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड आपके ये वीक रहने वाला है। आप काफ़ी कुछ डीक्लटर करते हुए, क्लीनिंग करते हुए, ऑर्गेनाइज करते हुए भी चीज़ों को नज़र आ रहे हो। फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस रीडिंग को देखने के लिए और जैसे ही कोई पर्सन देखने लगा है इस रीडिंग को, बहुत ज्यादा स्माइल और बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप एकदम से एक्साइटेड हो इस एनर्जी को, इस रीडिंग को देखने के लिए। जब भी आपने अपने यू नो इस रीडिंग पे क्लिक किया है तो बहुत ज़्यादा आप एक्साइटमेंट से, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी से भर गए हो। बहुत सारी हैवीनेस को आप गुड बाय बोलने वाले हो, रिलीज करने वाले हो। वो शायद जो बिगनिंग फर्स्ट कार्ड में मुझे लग रही थी हैवी एनर्जी, कुछ आपने होल्ड की हुई है, तो उसको आप गेट रिड होगे उससे, उसको रिलीज कर पाओगे आप उस एनर्जी को। आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ने वाली हैं इस हफ्ते में। आपकी कुछ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगेन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है,
आपकी साइकिक एबिलिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सामने वाले के मन में क्या चल रहा है तो ये जान पाओगे, आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या सोच रहा है पर्सन। वाओ इस हफ्ते में आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। तो अगेन स्टार की एनर्जी, हैप्पी एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर, होप की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में, जो फ्यूचर के आपके ड्रीम्स हैं, तो उसमें जो एक ब्रिज था जो आप पार नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते वो पॉसिबिलिटी है। यानी कि कोई ऐसी डिफिकल्टी अगर आ रही थी जिसको आप पार ही नहीं कर पा रहे थे बड़ी कोशिश करने पर भी, तो इस तरह की आप उसको डिफिकल्टी को क्रॉस कर सकते हो, हरा सकते हो। कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ब्लॉकेज हो सकता है जो आपके रास्ते में खड़ा हुआ था और आप पार ही नहीं कर पा रहे थे उस ब्रिज को, तो किसी तरह की हर्डल थी वो, और इस हफ्ते में वो आप पार कर पाओगे। आप दूसरी तरफ पहुंच जाओगे जहां पर आप थोड़ा कंफर्टेबल, पॉजिटिव, होपफुल होगे अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए। कुछ चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही थी तो इस हफ्ते आपको वो पॉसिबल लग सकती हैं, थोड़ी आसानी लग सकती हैं। ये इसी मैसेज से रिलेटेड हो सकता है कि जो चीज़ें आप पहले करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते में वो आप थोड़ा सा आपको पॉसिबल लगने लग जाएंगी, होपफुल हो जाओगे आप, थोड़ी चीज़ें आसान होने वाली हैं आपके लिए। कोई यहाँ पर ट्रिप को भी प्लान कर रहा है, ये छोटा सा ट्रिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है घूमने फिरने वाला, ये फैमिली को विजिट करना या कुछ इस तरह का, तो ये भी कोई ट्रिप हो सकता है आपका। तो कोई ना कोई यहाँ पर ट्रिप को ज़रूर प्लान कर रहा है। किसी का हेडेक या एंजाइटी है यहाँ पर, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इस हफ्ते की एनर्जी जो बहुत ज़्यादा होपफुल और पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप उस एनर्जी को रिलीज कर पाओगे, रिलीफ मिल पाएगा आपको। कुछ लोग यहाँ पे, या एक दो ही लोग हो सकते हैं यहाँ पर, कुछ व्यूअर्स जो अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। कोई टेंशन चल रही है दिमाग में, स्ट्रेस चल रहा है, कोई बात को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। या अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं उनको, इस वजह से हो सकता है। लेकिन आप इस हफ्ते में आप सो पाओगे अच्छे से। काफ़ी देर से एक कंफर्टेबल डीप स्लीप नहीं ली है, आपको मिलने वाली है। वो जिनको नहीं मिली है कंफर्टेबल डीप स्लीप, आराम जिसको कहते हैं ना, तो वो आपको मिलने वाली है इस हफ्ते में।
इसी तरह की यूनिटी है यहाँ पर फैमिली को लेकर। आई डोंट नो ये मैसेज आप यूनिटी को देख पाओगे। तो अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह की कुछ ऐसा चल रहा था फैमिली के अंदर, तो आप देखोगे कि यूनिटी आ गई है, इकट्ठे हो रहे हैं, या फिर कोई गैदरिंग है वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ है यहाँ पर। या कुछ ऐसे क्लियर कम्युनिकेशन से किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जा रहा है यहाँ पर। तो लोग जो हैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यानी कि अगर कोई बात की वजह से एक दूसरे से दूर थे तो यहाँ पर वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, वापस आ पा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। किसी की लाइफ में यहाँ पर मेजर कोई चेंज आ रही है, मेजर इवेंट है इस हफ्ते में, कोई मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगी। किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकती है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाओ, ओवरवेल्म हो जाओ, उस वजह से आप इतने ज़्यादा इमोशनली और रिलीज़ करोगे इमोशनली। किसी तरह का आपने कुछ पकड़ा हुआ था जो पास्ट का पेन, राइट, किसी भी तरह की पेनफुल एक्सपीरियंसेस को आपने होल्ड किया हुआ था, तो वो आपका रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज होगा और हीलिंग मिलेगी आपको। किसी यहां पे जेलस पर्सन की भी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूं, आपके अराउंड है कोई जेलस पर्सन, लेकिन यहाँ पर आप उसको ना ध्यान देकर, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे एक्चुअली आपके गाइड्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको ना ध्यान देकर एक्चुअल में आप अपने काम से काम रखने वाले हैं। आप अपने काम में बिजी रहोगे, अपनी चीजों में मस्त रहोगे, अपने कामों में, तो आपका आप नहीं ध्यान देने वाले हो ऐसे लोगों पर। यहाँ पर आप बहुत सुंदर लगने वाले हो ये मैसेज मुझे अब मिल रहा है, बहुत सुंदर लगने वाले हो और बहुत सुंदर लग रहे हो। ये गोल्डन जैसे चमक रही है ना यहाँ पर सैंड, तो इस तरह की आपकी स्किन चमकने वाली है आने वाले वीक में। कुछ बातें बहुत हैरान करने वाली होंगी आपकी इस हफ्ते में, कुछ वीडियोस हो सकती हैं ऐसी, कुछ आपकी लाइफ के इंसिडेंट हो सकते हैं जो कुछ आपको सरप्राइजिंग होंगे आपके लिए। आपको कोई मैसेज मिल सकता है किसी का जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, तो ये किसी की भी तरफ से हो सकता है मैसेज, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड मैसेज होगा आपके लिए आ रहा है। किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो ये नेगेटिव एनर्जी में,
और अगर आपने रेकी के कोई लेवल की वो की है, तो अपने आप को हील कर सकते हो, राइट। एवरी डे एक इंटेंशन के साथ कि आपको ये पर्टिकुलर जो चैलेंज है या ये पर्टिकुलर जो कोई स्ट्रेस वाली बात है या नेगेटिविटी है, आपको वो हील करना चाहते हो आप, तो आप हील कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ। अपने आप को एवरी डे हीलिंग दीजिए कुछ दिन के लिए, जैसे 11 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, आप बहुत ज़्यादा हील कर पाओगे अपने आप को। और ये किसी के लिए भी है, कि लेवल 1 लिया हुआ है आपने, 2 लिया हुआ है, 3 है, ग्रैंड मास्टर हो, कुछ भी, तो ये सबके लिए है मैसेज। और अगर आपने रेकी की कोई अट्यूनमेंट नहीं भी ली हुई है, तो आपको रात को इस इंटेंशन से अपने स्पिरिट गाइड्स को बोल के सोना है कि मुझे इस स्ट्रेस से, इस टेंशन से मुझे रिलीज कीजिए, ठीक है। तो सोने से पहले आपको ये मैसेज देना है उनको। तो आप कुछ दिन तक अगर ऐसे करोगे तो आप देखोगे काफी आपको रिलीफ मिल रहा है। अगले 7 दिनों में आपको बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है। ये गुड न्यूज बेबी से रिलेटेड भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द वीक आप बहुत ज्यादा रिलैक्स और पीस को फील कर पाओगे। तो थोड़ा सा बिगनिंग ऑफ द वीक ही मुझे लग रहा है, बाकी जो वीक है आप बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, रिलैक्स्ड, पीस की एनर्जी में रहने वाले हो। आपके इंसेस्टर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, सरप्राइज मिल सकता है, यानी कि आपके किसी भी तरह की रिश्तों को लेकर ग्रोथ या रिलेशनशिप को लेकर और फाइनेंशियल ग्रोथ, किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर किसी तरह की ग्रोथ है, वो आपके इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको इस हफ्ते में नजर आएंगी। नेक्स्ट 7 डेज की किसी तरह की मिराकुलस भी एनर्जी है, तो किसी की लाइफ में किसी तरह के मिरेकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई बहुत सारी उलझनों से बाहर निकल रहा है, तो बहुत सारी उलझने किसी की लाइफ में यहाँ पर चल रही थी, बहुत सारी। मैं एक दो की बात नहीं कर रही हूँ, ये बहुत सारी उलझने एक समय पे जिसके लाइफ में आई हुई थी वो यहाँ पर निकलने वाला है।
काफ़ी सारी उलझनों से, और इस वजह से उसको पता ही नहीं लग रहा था कि किस डायरेक्शन में जाना। इतने ज़्यादा इल्यूजन्स और इतने ज़्यादा यू नो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई हुई थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई थी, चैलेंजेस आए हुए थे। तो यहाँ पर किसी को राहत मिलने वाली है उससे। यहाँ पर मैं कुछ चार्म्स भी निकालने वाली हूं, तो इसलिए गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप काफी हैप्पी फील करोगे। यू नो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, जो चैलेंजेस हैं उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी आप बड़ा हैप्पी और पॉजिटिव फील करने वाले हों इस वीक में। किसी को यहाँ पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, या बहुत लोग हो सकते हैं जो किसी तरह से डिसकनेक्टेड हुए हैं डिवाइन से, तो उनको बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये स्ट्रेस की एनर्जी को क्रिएट किया हुआ है, तो थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे अपने आप को और टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा समय ही मॉर्निंग में प्रेयर्स और मेडिटेशन में गुजारिए, और फिर उसके बाद प्लानिंग कीजिए कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हो या क्या क्या आपके काम हैं, तो आप बेटर वे में कर पाओगे। यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा सोचने से बाहर निकलकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपने सोचा कि ये मेरे काम, तीन काम आज ज़रूरी हैं, तो एक्शन लीजिए। ज़्यादा मत सोचिए कि कब करूँ, कैसे करूँ, ठीक है ना, बस करने बैठ जाइए और अपने आप वो हो जाएंगे आपसे काम, ठीक है। तो इस तरह की गाइडेंस है यहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ चार्ट्स यहाँ पर। किसी की मेहनत रंग लाने वाली है, यहाँ पर ये मैसेज मिला मुझे, किसी की मेहनत रंग लाने वाली है। तो यहाँ पर वानर है, हनुमान जी की मुझे एनर्जी मिल रही है। तो आप ये रीडिंग को भी वैसे मंगलवार को ही सुनने वाले हो, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर हनुमान जी की किसी तरह की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ये हो सकता है कि आपने स्पेसिफिकली हनुमान जी से किसी तरह की ब्लेसिंग्स को मांगी थी, ब्लेसिंग्स मांगी थी, प्रेयर्स की थी, और कोई ऐसी उससे रिलेटेड कोई आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। चीजें बेटर हो रही हैं, यहाँ पर स्विंग मशीन है, चीजें फिक्स की जा रही हैं, आपके लिए बेटर की जा रही हैं। ये वही जो मैंने अभी भी बोला, मेहनत का फल मिलने वाला है। अगर पास्ट में आपको नहीं मिला तो यूनिवर्स जो है कुछ चीजें आपके लिए सिलने वाला है और कुछ चैलेंजेस से भी आपको रिलीफ देने वाला है। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है इस व्हील से कि बहुत सारे अप्स डाउन्स के बाद आप फाइनली किसी बात के लिए रिलैक्स कर पाओगे। एक्सक्यूज मी। तो ये एक कोई ऐसा वो हो सकता है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और जो कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी, तो वो कोई ऐसा आपका चैलेंज हो सकता है जो इस हफ्ते किसी तरह का आपको सोल्यूशन मिल सकता है या किसी तरह की चेंज आ सकती है। हम लोगों ने वैसे बात भी की है यहाँ पर, किसी तरह की मेजर चेंज है यहाँ पर किसी के लिए, राइट, वो हम लोगों ने बात भी की है।
तो ये ब्लॉकेजेस जो थे या जहां पर आप अटके हुए थे एंकर से, तो ये रस्सी जो है आपकी खुलने वाली है, ये रस्सी कटने वाली है, जिस वजह से आप तो आप ये रस्सी आपकी टूटने वाली है जिस वजह से आप अनब्लॉक होने वाले हो। ठीक है, किसी सिचुएशन में अनब्लॉक हो जाओगे आप ताकि आप आगे बढ़ सकें। यहाँ पर है लास्ट मरमेड, फ्लो में आने वाले हो आप, फ्लो में आने वाले हो, साइकिक एबिलिटीज आपकी बढ़ने वाली हैं यहाँ पर, इजी फ्लो में आने वाले हो। जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था ना उसके साथ चलना जो भी हो रहा था, तो थोड़ी सी चीज़ें आपकी आसान होंगी, थोड़ा आप सरेंडर कर पाओगे और फ्लो में आ पाओगे। राइट, अब हम लोग थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं, सॉरी थोड़े से हम लोग मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल मैसेजेस देख लेते हैं यहां पर। राधे राधे, तो बहुत सारा प्यार चैंटिंग, मंत्रा की चैंटिंग है यहाँ पर, और स्ट्रांग फेमिनाइन एनर्जी है, से गुड बाय। तो किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस और किसी तरह की डार्कनेस, नेगेटिव एनर्जी को आप बाय बोलने वाले। अलाइनमेंट, तो ये कंफर्मेशन है, मैंने आपको सबसे बिगनिंग में ही दिया था ये मैसेज कि किसी न किसी तरह की अलाइनमेंट ज़रूर है, जो डेस्टिनी और स्टार्स की एनर्जी से मुझे लग रहा था। लॉस्ट एंड फाउंड, तो पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पर है। बिलीव, बिलीव ये भी मैंने आपको मैसेज दिया कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, वो होपफुल हो जाओगे आप, पॉसिबल लगने लग जाएंगी, तो वो बिलीव ही है मैसेज। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पर, तो किसी तरह का अगर मैसेज जो मैंने आपको दिया, तो वो मैसेज जो है ट्विन फ्लेम आपके की तरफ से आपके लिए आ सकता है यहाँ पर। टेक एक्शन, तो ये भी एनर्जी थी वहाँ पर, मस्कुलाइन एनर्जी आपकी पावरफुल रहेगी और आप काफ़ी सारे एक्शन ले सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव बिलीव इन योर सेल्फ, तो कोई ऐसे काम ज़रूर है या एक्शन जिसपे आपको अपने आप को बिलीव करना है और अपने आप को चांस देना है कि आप कर सकते हो, पॉसिबल हो सकता है ये। राइट, कोई पास्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आप जो आपको लगा कि खो दी आपने, किसी तरह की ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती है, सक्सेस से, आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड हो सकती है। तो आपको लगा कि आपके पास्ट में आपके लिए वर्क नहीं करी, तो इस बार फिर से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और अपने आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, और किसी तरह के स्ट्रेस को गुड बाय बोलने की ज़रूरत है यहाँ पर, रिलीज़ करने। बी ऑथेंटिक, आपकी ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड हो सकता है ये एक्शन। कमिटमेंट की भी मैंने बात की आपको कि कोई कमिट कर रहा है अपने आप को, तो किसी बात के लिए भी आप अपने आप को कमिट कर रहे हो, या किस दूसरे पर्सन की तरफ से भी आपको कमिटमेंट आ सकती है। ये देखो, ये देखो आपको मेडिटेशन के लिए मैंने बोला, गो मेडिटेट, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ, वो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, तो यहाँ पर वही मैसेज भी आया है कि अप्रिशिएट योर सेल्फ। हार्ट की हीलिंग है यहाँ पर, तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी पास्ट की एनर्जी यहाँ पर, कमिटमेंट कोई जो आपके हार्ट को, मैंने आपको बोला एक बात कि आपके इमोशनली ओवरवेल्म हो गए आप, बहुत ज़्यादा रोने वाले हो आप, वो आपकी स्टक हैवी एनर्जी को रिलीज़ करेगी और वो इमोशन से रिलेटेड हो सकती है आपकी, जो आपके स्टक हुई हुई है, और आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग होगी। हेयर, तो बालों से रिलेटेड आप कुछ फोकस करने वाले हो। लिसन टू योर पेट, तो पेट को आपको लिसन करने की जरूरत है। क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी पैशन के भी आपको मैंने
सेल्फ लव, क्रिएटिविटी, पैशन कार्ड से भी बात की है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कृष्णा के मैसेजेस, तो देख लेते हैं यहाँ पे कृष्णा के मैसेजेस और फिर मिरेकल मैसेजेस से हम लोग रीडिंग को खत्म करने वाले हैं। सो इस वीक के लिए क्या होगी कृष्णा मैसेजेस, एक मैसेज मेरे पास आ गया है और एक और आ गया है, एक और ले लेते हैं मैसेज। मुझे सबसे पहले मैसेज मिला यहाँ पर कृष्णा किसी तरह की आपको हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं किसी ना किसी रूप में, और यहाँ पर आपको पीस क्रिएट करनी है। कोई पास्ट की सिचुएशन हो सकती है आपको, क्योंकि आप जब तक अपने अंदर पीस नहीं क्रिएट करेंगे बाहर नहीं आप ढूंढ पाएंगे। तो किसी तरह की जजमेंट कॉल भी यहाँ पर मुझे लग रही है कृष्णा की तरफ से आपके लिए आती हुई। तो ये कौन सी जजमेंट कॉल है, ये आपको अपनी लाइफ में देखने की ज़रूरत है कि कुछ करने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, और किसी तरह की हेल्प भी अवेलेबल है कृष्णा की तरफ से आप लोगों को, ठीक है। हेल्पिंग हैंड भी दिया जा रहा है आपको जहाँ पर बस ज़रूरत है आपकी। तो जिस तरह से हम लोगों ने मैसेज रिसीव किए हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है किसी न किसी रूप में। When you are happy, relaxed and free of stress, the body can accomplish an amazing, even a miraculous feats of all self-repair. मैंने आपको एक miraculous energy की भी बात की थी, तो किसी तरह का miracles से भी related यहाँ पर energy है। Again ये repeat हो रहा है, और किसी तरह की आप देख सकते हो twin की energy यहाँ पर, soulmate की energy है। तो आपको अपने आप को स्ट्रेस से फ्री करना है यहाँ पर, जो मैंने बात आपको बात भी की, अपने गाइड्स को बोलिए कि आपको इससे रिलीज करें एवरी नाइट, तो आप देखोगे कि कुछ दिनों में आपकी वो जो स्ट्रेस है वो हील हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा यहाँ पर। तो यही आप शायद कृष्णा को भी बोल सकते हैं, अपने गाइड्स को बोल सकते हैं, क्योंकि वो आप ही के अराउंड हैं, वो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हैप्पी और रिलैक्स्ड रहिए, जिससे आप बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरत है पीस ऑफ माइंड की और आपके हैप्पी और रिलैक्स्ड पॉजिटिव रहने की। और अगर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, वो भी अपने आप ही हो जाएगी जितना आप रिलैक्स करोगे। भाग दौड़ से हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं, हील नहीं करते हैं यहाँ पर। प्रेजेंट में भी और पास्ट के भी सब इश्यूज़ को हील करते रहना है, उसके लिए समय निकालने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, यू नो, प्रेयर्स के साथ जुड़ना, पीस के साथ जुड़ना, ये सब डेली बेसिस पे करने की ज़रूरत है। इवेंचुअली यू विल कम टू अंडरस्टैंड दैट लव हील्स एवरीथिंग एंड लव इज ऑल देयर इज। तो मैंने यूनिटी बोला था आपको फैमिली मेम्बर्स की, तो ये कहीं ना कहीं आपका अपने पार्टनर के साथ, लोगों के साथ, बहन भाई कोई भी हो सकता है, सोलमेट, ट्विन, जो जर्नी पर हैं, जिस तरह की भी ये एनर्जी, यूनिटी वाली एनर्जी यहाँ पर, जो प्यार से चीज़ों को सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत है, और शायद वो कर भी पाओगे आप, जिस तरह, जिस वजह से आप पीस को क्रिएट कर पाओगे, यूनिटी को क्रिएट कर पाओगे फैमिली में, क्योंकि प्यार से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, राइट। तो ये थी आप लोगों के लिए कृष्णा मैसेज। अब देख लेते हैं हमारे लिए तीन मिरेकल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले ये है रफ एडवेंचरीन क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल से मैसेज डीप हार्ट हीलिंग है यहाँ पर आपकी, तो आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है यहाँ पर। ये आपके इस यूनिटी से रिलेटेड हो सकता है, या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा रिलीज कर रहे हो, जो मैंने आपको बोला कि आप ओवरवेलम हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, रो रहे हो बहुत ज़्यादा, जो आपको हेल्प करेगा यहाँ पर। अगेन सबके लिए मैसेज नहीं होगा, या फिर हार्ट चक्र की अगर हीलिंग हो ही रही है किसी न किसी रीजन से, तो वो किसी भी रीजन से हो सकती है। इवन हम लोग ओवरवेलम हो जाते हैं कृष्णा से कनेक्ट करके, कृष्णा को देखकर, अपने प्रेयर्स या अपने डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, तब भी ये एनर्जी अवेलेबल होती है अपने हार्ट चक्र की हीलिंग की। ये हमारे मैसेज चैनल में भी निकला था, राइट,
और मैंने सैड रीडिंग में भी आपको मैसेज दिया है। ये यहाँ पर इस क्रिस्टल से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा फील्ड्स पर है इस क्रिस्टल का नेम। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है आप किसी सिचुएशन में सुकून को क्रिएट करने वाले हो। सुकून, यू नो, बहुत ज़्यादा जिस किसी रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा या किसी भी पर्सनल किसी भी सिचुएशन में अगर बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, तो सुकून मिलने वाला है आपको। ठीक है, ये है सेकंड मिरेकल। और थर्ड मिरेकल है यहाँ पर एंजेलाइट क्रिस्टल से, मैं मैसेज ही भूल गई थी तो यहाँ पर एंजेलाइट क्रिस्टल से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो एंजल्स की तरफ से। और यहाँ पर एंजल्स आपका कोई एक लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोई ना कोई किसी तरह के न्यू चैप्टर की यहाँ पर बिगनिंग हो रही है आपके लिए। तो ये आपका थर्ड मिरेकल मैसेज है। ये न्यू बिगनिंग रिश्तों, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, या फिर खुद के सुकून से रिलेटेड भी हो सकती है कि बिल्कुल टोटली एनर्जेटिक डिफरेंट शिफ्ट आना, ट्रांसफॉर्मेशन आना, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना, ये कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह की एक चेंज जो पहले नहीं थी जिंदगी में लेकिन एक ब्लेसिंग के रूप में आपके तरफ आ रही है आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स की तरफ से। तो ये है तीन मिरेकल्स आप लोगों के लिए। ईश्वर करे कि आपका बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा शांति और ब्लेसिंग्स और अबंडेंस वाला वीक हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।